यूपी के संभल से 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को बच्चे पैदा नहीं होने पर उसके शौहर ने मायके में रह रही महिला को 3 तलाक कह दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस को लिखित में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। 11 साल हो गए मेरी शादी को, मुझ पर बच्चे नहीं हैं। सब घर वाले मारते हैं मुझे, सास ससुर देवर नंदोई, और कहते हैं फैसला वो तलाक दे और जाए यहाँ से। 5 लाख रुपए और 100 गज का प्लॉट लेके अपने घर से तब रखेंगे ना हम ना रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? मेरे माँ बाप हैं, मुझ पर बच्चे ना है, सारी वजह की है। मेरे माँ बाप हैं ना भैया, मेरे गरीब हैं, कहाँ से लाऊँ 5 लाख रुपए और 100 गज का प्लॉट? इसलिए भी हम मार तोड़ कर भगाते हैं। अभी आपने कोतवाली प्रभारी से कहा कि मुझे तलाक दिया है, क्या उन्होंने आपको तलाक दे दिया? हाँ। कहाँ पर आके तलाक दिया? भाई मैं अपनी बहन के घर पर आई हुई, तो वो कल आए और बोले कि पैसों का इंतजाम हो गया ना, मैंने मना कर दिया, तो सब मुझे तलाक दे के चले गए 3 बार। अब बताओ मैं क्या करूं, मैंने न मानी है। मगर उन्होंने 3 तलाक कहा था आपको? हाँ। कहाँ पर आके कहा था? मई में कहा, मेरी बहन के घर पे। मेरी बहन शादी को कितने साल हो गए आपकी? 11 साल हो गए। 11 साल कोई बच्चा नहीं है? नहीं। कितने बार झगड़े हो चुके हैं आप लोगों में? कम से कम 20 बार झगड़े हो चुके हैं, शादी से ही हो रहे हैं झगड़े। 4-5 बार में पंचायतों के जरिए से भी चली गई, मेरे भाइयों ने भेज दिया, मगर फिर भी वहाँ जाके वही आलम है। 2-4 दिन सही रहे, फिर वही बात। किस हिसाब से मुझे तरीक चलना है? अच्छा, तो अभी आपने थाने में तहरीर दी है। हाँ। तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ ना कहा, आगे का उठवा लेंगे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हो, आगे क्या कार्रवाई चाहती हो आप? अब तुम्हारे सबके ऊपर है, साहब मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद करो बस। मेरे माँ बाप है ना, मेरी कोई सुनने वाला ना, मैं किसे बताऊँ? मारे मारे फिर रही हूँ, टुकड़ों पर टाइम काट रही हूँ। कम से कम 10-10 महीने 4-5 बार रह गए, ऐसे कब तक जिंदगी काटूंगी मैं अपनी? सर, चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहाँ एक मतलब महिला ने बच्चे पैदा होने पर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, क्या कुछ मामला हुआ है? चंदौसी थाने से बात किया गया, थाने बताया गया है कि इस मामला में प्राप्त पत्र प्राप्त हो गया है और मई गांव का, चंदौसी के मई गांव का मामला है। इस मामले में प्राप्त पत्र प्राप्त हो गया है और उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें मुकदमा नहीं लिखा गया है? अभी उसकी जांच की जा रही है, जाँच के बाद पंजी, चूंकि पीड़िता ने मना कर दिया था मुकदमा लिखने के लिए फ़ोन करके, बाद में उन्होंने कहा कि एक बार हमारे पति को परिवार परामर्श केंद्र में ले आइए, समझा दीजिए, नहीं मानते तब फिर अग्रिम कार्रवाई करिएगा। इसलिए उस पीड़िता के आग्रह पर जांच के लिए और परिवार परामर्श केंद्र में लाने के लिए एक बार बात उस महिला की तरफ, प्रार्थना पत्र की तरफ से, महिला पीड़िता की तरफ से किया जा रहा है।